हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानते हैं वात रोग, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इन सब के लिए घरेलू उपाय के बारे में। अगर आपको घुटनों का दर्द घुटनों के पीछे हो रहा है या फिर घुटने के पूरे ऊपर सूजन आ चुकी है, आपको पालथी लगाने में दिक्कत आती है या फिर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है, अगर आप 10 से 15 कदम चल लेते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि घुटने अंदर से टूट गए हैं, जब आप बेड पर बैठते हैं तब आपको अपनी टांग को पकड़ कर बेड पर रखना पड़ता है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि घुटने की हड्डी बीच में से टूटी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज हम जो तरीका जानेंगे वो चीजें आपको घर में बड़े आराम से मिल जाएंगी, बस उनको सही मात्रा में लेकर उनको मिक्स करके उनका सेवन करना है। हमारे शरीर के हर एक जोड़ में सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। जब यह फ्लूइड किसी कारण से सूख जाता है, वैसे तो उम्र बढ़ने के कारण यह फ्लूइड सूख जाता है, देखा जाए तो यह समस्या बच्चों को भी हो रही है। अगर आपके घुटने से आवाज आ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जानते हैं इनके होने के कारण, घुटनों से कटकट की आवाज आने का कारण। हमारे घुटनों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसके अंदर हवा भर जाती है। जब हम चलते हैं या हिलते हैं तब घुटनों के जोड़ आपस में टकराते हैं, तब यह हवा फटती है जिसके कारण घुटनों से आवाज आती है। ये आगे चलकर घुटने के दर्द को पैदा करती है। जैसे जैसे शरीर में वायु बढ़ती जाएगी तब यह घुटने के दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए अब हम इसके इलाज के बारे में जानेंगे। इलाज को करने के लिए हमने 3 चीजों को मिक्स करके एक मिश्रण बनाना है, तो आइए जान लेते हैं कैसे करेंगे हम इस घरेलू इलाज को। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, आपने 50 ग्राम हल्दी लेनी है, उसका पाउडर बना लीजिए। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है जो कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी को नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 2 हमें लेना है सौंठ पाउडर। सौंठ को सूखी हुई अदरक भी कहा जाता है। सौंठ का पाउडर भी आपने 50 ग्राम लेना है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आप अदरक लीजिए और उसे सुखा लीजिए, जब यह पूरी तरह सूख जाए तब उसका पाउडर बना लीजिए। इस तरह यह सौंठ का पाउडर तैयार हो जाएगा। सौंठ हमारे शरीर से सूजन व दर्द को दूर करने का काम करती है। 3rd नंबर पर हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना हमारे शरीर में जितनी भी वायु बनती है उसको बाहर करने का काम करता है। आपने इन 3 चीजों को बराबर मात्रा में ले लेना है और इनका पाउडर तैयार कर लेना है। इन 3 को मिक्स कर लेना है और फिर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच लेकर इसका सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा जिन लोगों का शरीर पित्त प्रवृत्ति का है, यानी कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है, उन लोगों ने बहुत कम और एक बार ही इन 3 चीजों को लेना है, यानी कि 1/4 चम्मच ही इसका सेवन करना है। अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लेंगे तो यह आपके शरीर में एसिड को बढ़ा सकती है, पित्त को बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन वात को शरीर से दूर करने के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।